न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एमसी कोड़े इन दिनों ये नाम खूब सर्च किया जा रहा है और इनका एक वीडियो जो कि काफी पुराना है वो एकदम से फिर से वायरल हो गया और अब एमसी कोड़े की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। 2010 या उससे थोड़ा पहले एक ट्रेंड शुरू हुआ था, वो था रैप गाने का। गाने के बीच में तेजी से कुछ लाइंस बोलना और कई बार होता है रैप बैटल। ये रैपिंग का फॉर्म है जहां पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं। रणवीर सिंह की फिल्म गली बॉय में भी आपने रैप बैटल देखी होगी। ऐसे ही एक रैप बैटल आर्टिस्ट है एमसी कोड़े। एमसी कोड़े जिसका जिक्र इससे पहले मैंने किया, इनका वीडियो काफी ज्यादा विवादों में है। वीडियो में एमसी कोड़े बेहद आपत्तिजनक और ओछी भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एमसी कोड़े कई ऐसी धार्मिक पुस्तकें हैं जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं, उसको लेकर विवादास्पद बातें कह रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने सामने वाले पार्टिसिपेंट की मां के लिए भद्दी और स्त्री विरोधी बातें भी कही हैं। अब जरा ये पूरा मामला समझिए। एमसी कोड़े, जिसका असली नाम है आदित्य तिवारी, दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले रैप बैटल आर्टिस्ट हैं। 12 जून 2016 को उनका एक अपलोड किया गया वीडियो बताया जा रहा है जो कि तेजी के साथ अब वायरल हो रहा है। ये वीडियो बिट्स पिलाने का है, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। वीडियो में जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है वो इतनी भद्दी है कि मैं यहाँ आपको बता भी नहीं सकती, ना ही वो वीडियो दिखा और सुना सकती हूँ। इतनी भद्दी भाषा मैंने आज तक नहीं सुनी और शायद आपने भी ना सुनी हो। 40 सेकंड की क्लिप में लगातार पुरुषों के गुप्ता अंगों का जिक्र है। यहाँ तक कि इस शख्स ने हद तो तब कर दी जब धार्मिक पुस्तकों का जिक्र किया और उसको लेकर आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए। लोगों ने YouTube वीडियो के दूसरे हिस्से निकालकर शेयर किए। ऐसी तिरस्कार पूर्वक और लीचड़ भाषा को अभिव्यक्ति की आजादी कहकर डिफेंड नहीं किया जा सकता। वीडियो सामने आने के बाद जनता एमसी कोड़े पर भड़की हुई है, उसे कॉल आउट कर रही है, हिंदू विरोधी कह रही है। कोई कह रहा है कि रैप बैटल उन्हें सूट करता है, जिनके पास अपना स्ट्रीट कल्चर है, ये लोग पक्का अमीर घरानों से हैं और दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एक यूजर ने यूपी पुलिस को टैग कर इनकी गिरफ्तारी की मांग की है और कुछ का कहना है कि ये मानहानि नहीं है, ये सीधे सीधे अब्यूज है। ऐसे लोगों और चैनल्स को पूरी तरह से बॉयकॉट करना ही सही एक्शन है। कुछ का कहना है कि कृपया कोई इसका ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज या पता बता सकता है ताकि इसके खिलाफ केस फाइल किया जा सके। लोग यूपी और दिल्ली पुलिस को टैग कर एमसी कोड़े की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। विवादित वीडियो भी यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया। बवाल बढ़ने के बाद एमसी कोड़े ने अपना स्टेटमेंट जारी किया, कुछ इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, लिखा जो आप इन फोटोज में देख सकते हैं। एमसी कोड़े ने माफी मांग ली, लेकिन उन्हें मिलने वाली धमकियों का सिलसिला रुका नहीं, जिसके बाद उन्होंने एक और इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की, लिखा, ये पोस्ट भी देखें। रेडबुल ने अपनी वेबसाइट पर एमसी कोड़े को फीचर किया था। विवाद बाहर आने के बाद उन्होंने भी वो पेज डिलीट कर दिया। साथ ही रैपर का यूट्यूब चैनल, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पेज भी अब डीएक्टिवेट किए जा चुके हैं। 16 या 17 साल की उम्र में ये तो सीख लिया जिसका जिक्र तक मैं नहीं कर पाई, लेकिन आपकी परवरिश कैसे हुई है कि आप अपनी मर्यादा भूल गए? मैं ना समझ था ये कहकर पल्ला झाड़ लेना, टीनेजर कह देना,
नहीं पता था कि मैं किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेहद गलत है। इस तरह की भाषा को बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल है और हमारे समाज में इसकी इजाजत भी नहीं है। और हम इस तरह के वीडियो और भाषा का पूरी तरह से खंडन करते हैं। खैर, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर किस तरह का एक्शन लिया जाता है। लेकिन लगातार इस पूरे मामले में पूरा समाज भड़का हुआ है। ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक, यूट्यूब से लेकर गूगल सर्च तक, हर जगह एमसी कोड़े सर्च किया जा रहा है। तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दी जा रही हैं, टिप्पणियां की जा रही हैं, क्योंकि एक तरह से ये वीडियो पूरी तरह से गलत है इस समाज के लिए, टीन एजर उन बच्चों के लिए जो अपना भविष्य संवारने की कोशिश करते हैं, या फिर उन स्त्रियों के लिए जिन स्त्रियों के लिए इस भाषा का इस्तेमाल किया गया, और उस सनातन धर्म के लिए जिस धर्म को हजारों सालों से हिंदू संभालते आए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।